ना ये सामुदायिक जो भोजन का लंगर बनता है वो भी नहीं है, पशु का चारा नहीं है। और वार्ड नंबर हम लोग दो दिन से भैया पूरा घूम रहे हैं, आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया, आप भोजपुर के लिए व्यवस्था होगा। हम लोग इस आपदा में, इनके विपत्ति में इन लोग के साथ खड़े हैं, और जब तक इनकी सुविधा नहीं होगी हम लोग यहां से अपना पटना जाएंगे नहीं। छठ में लगता है, छठ पूजा में कि कोई अपना सब अपना, कोई द्वेष नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। और ऐसे ऐसे महान पुरुष इस बाढ़ में भी हम लोग को पानी पिला रहे हैं, मीठा खिला रहे हैं। ये भोजन नहीं किए हैं दो दिन से, मेरी गाय गाय मने माए भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग को मीठा पानी दे रहा है लोग, इसलिए हम लोग घूम घूम के वार्ड नंबर 1 है 5 है। और आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में लगातार बाढ़ का खतरा मंडराता ही जा रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में बाढ़ से लोग ग्रसित हो चुके हैं। बाढ़ का प्रभाव पूरे बिहार में ही मंडराया हुआ है। अब ऐसे में तस्वीरें हम आपको सीधे भोजपुर से दिखा रहे हैं, जहां बिहार के भोजपुर पहुंचे हुए हैं जदयू नेता छोटू सिंह, जो बाढ़ ग्रसित एरिया, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनता के बीच पहुँच रहे हैं। लोग जो बाढ़ में फंसे हुए जो लोग हैं, जिनके पास खाने की भी कमी जो है लानत पड़ गई है, उन लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं छोटू सिंह, उन्हें खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। और आपको तस्वीरें सीधे भोजपुर से दिखाते हैं। बाढ़ से काफी लोग प्रभावित हैं बड़ारा क्षेत्र में, क्या उनके समस्या का समाधान हो रहा है यहाँ? देखिए, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी और भोजपुर के हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं, SDO हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो हैं, सब लोग को मैं बहुत बधाई देता हूं। बाढ़ तो एक प्रकृति का देख ही रहे हैं सरकार, लेकिन इस आपदा में सरकार के हमारे जितने छोटे से लेकर कर्मचारी, चाहे एक नाव चालक का ही नहीं हो, NDRF टीम हो, चिकित्सा का हो, सारा टीम लगा हुआ है। और आज इस दुख के घड़ी में हम लोग को भी संकट हो रहा है। हम लोग दो दिन से जो देख रहे हैं स्थिति, हमारे गार्जियन परिवार, माताएँ बहने बच्चे जो कष्ट में हैं, जो ये देखिए लग रहा है कि समुद्र में हम लोग आ गए, घर एक एक तल्ला घर तक एक एक फ्लोर पूरा डूबा हुआ है। हमारे जो गाय के मतलब माए, गाय का जो कष्ट है, लेकिन सरकार से हम लोग हर टोला टोला रसोईया से लेकर प्लास्टिक से लेकर मोमबत्ती से लेकर माचिस तक जितना भी होगा भरपूर, हमारे CM हाउस में हम लोग से हमेशा संजय गांधी जी हम लोग के मोबाइल एक एक मिनट में फ़ोन उठा रहे हैं। हम लोग पानी में, हमारे साथ दुर्गा पटेल जी जो हमारे यहाँ परहरा के जदयू के अध्यक्ष हैं, भाई शिवशंकर जी पूर्व बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, मुन्ना जी हैं, विक्की जी हैं, छोटू जी हैं, धीरन जी हैं, चौधरी जी के परिवार हैं, सब लोग हम लोग घूम रहे हैं, चिकित्सा पदाधिकारी साथ में हैं, CO BDO सब लोग। अब इस आपदा में राजू जी हैं जो बढ़हरा के हैं, पंचायत समिति के नागा जी हैं, सब हम लोग लगे हुए हैं कि जितना भी सरकार का जो भी व्यवस्था होगा, हम लोग देखिए बड़ी नाव से, बड़ा नाव 50 आदमी हम लोग घूम रहे हैं, जहाँ तक होगा मदद। मीडिया के भाई लोग को भी हम बधाई देना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं कि कहाँ क्या कमी है, क्या किसी की ज़रूरत है। मीडिया भी एक बहुत बड़ा, आज के डेट में मीडिया से इतना लोग को मदद मिल जाता है। हमारी कुछ माए बहनें बीमार थी, एम्बुलेंस देखिए तुरंत आ रहा है, NDRF का टीम आ रहा है। जो भी भोजपुर के लिए व्यवस्था होगा, हम लोग इस आपदा में, इनके विपत्ति में इन लोग के साथ खड़े हैं, और जब तक इनकी सुविधा नहीं होगी हम लोग यहाँ से अपना पटना जाएंगे नहीं। और हम लोग इन लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस आपदा में आपके दरवाजा पे, आपके घर पे जो भी सरकार के कर्मचारी हो, ना कोई पार्टी देखिएगा, ना जात देखिएगा, ना पात देखिएगा, आज के दिन ही लगता है जिस तरह से छठ में लगता है, छठ पूजा में, कि कोई अपना सब अपना, कोई द्वेष नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। और ऐसे ऐसे महान पुरुष इस बाढ़ में भी हम लोग को पानी पिला रहे हैं, मीठा खिला रहे हैं। ये भोजन नहीं किए हैं दो दिन से, मेरी गाय गाय मने माए भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग को मीठा पानी दे रहा है लोग, इसलिए हम लोग घूम घूम के वार्ड नंबर 1 है 5 है 6 है इन लोग का देखिए हम लोग नोट भी कर रहे हैं, ये नहीं, ये पूरे नोट। और अभी CM हाउस में हम लोग व्हाट्सअप, अब तो मोबाइल बहुत समझिए, मोबाइल से बहुत काम होता है, इस मोबाइल से हम लोग व्हाट्सअप करके भेज दिए,
संदेश गांधी जी ने तुरंत एक्शन लिया और आधा घंटा में रसोईया से लेकर प्लास्टिक से लेकर आज 4 बजे के पहले सारा व्यवस्था हो जाएगा। और इस आपदा में हम लोग इनके साथ हैं और जब तक हम लोग इन लोग को व्यवस्था, नाव चालक हो, स्टीमर चालक हो, देखिए बेचारा चेहरा, देखिए चेहरा दिखा दीजिए सब लोग का कैसा चेहरा लग रहा है कल तक ही लोग, और ये अनजाने 2 दिन में ऐसा हो गया, कोई सोचा भी नहीं था। एकाएक 2 दिन में जो लोग कहता है बच्चा में कहता था, पिताजी माताजी बोलती थी, स्कूल में टीचर बोलते थे कि पानी आग और हवा क्या शक्ति है ये देख लीजिए, पानी तो हम लोग देख लिए, इसलिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जितना भी सहयोग होगा पूरा का पूरा NDA सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस संकट की घड़ी में हम लोग को हनुमान बना के आपके साथ दुख में खड़ा रहने के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार हैं। छोटे जी रहा है और इसका दंश हर साल लोग झेल रहे हैं, इस बार भी बाढ़ की भयावह स्थिति है, क्या इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा? ये तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और यहाँ के जो हमारे बिहार के बहुत विकास पुरुष जल संसाधन मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। कुछ जगह हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा नहीं 500 मीटर कहीं कहीं 200 मीटर 100 मीटर अगर ये घेरा बंधा जाती तो आज इतना कुछ क्षति कम होती और नहीं तो क्षति नहीं होती। तो हम लोग नोट कर लिए कहाँ कहाँ, हम लोग खाली घूम नहीं रहे, आज के बाद भी 6 महीना 6 साल बाद का व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था कर दिया जाए कि आने वाला समय में ऐसा संकट नहीं हो। आप भी घूम रहे हैं नाव पे, आप भी देख रहे हैं, आप भी बहुत लोग के साथ देख रहे होंगे, हम लोग का भी काम देखिए, क्योंकि हम लोग को मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बढ़हरा भेजा गया है। हम यहाँ के प्रभारी भी हैं और बिहार के पूर्व राज्य मंत्री भी हैं, प्रदेश के महासचिव भी हैं, तो पूरा देखिए आप लोग देखे होंगे, एक फ़ोन CM हाउस में फ़ोन उठता है, एक फ़ोन DM जो है यहाँ के या SDO या CO सब लोग लगा हुआ है। रिंकू यादव जी जो यहाँ CO है वो बेचारा 3 दिन से सोया नहीं है, घर तक नहीं गया है। अरविंद जी जो चिकित्सा पदाधिकारी आपके TV से कैमरा से लोग देख रहा है, ये दवा अभी 2-3 आदमी को दवा खिलाए हैं और आधे घंटे के अंदर पूरा इनका टीम आ रहा है, इलाज करा रहा है। एक आदमी को सीने में दर्द है, इनको हम लोग नाव पे बैठा के ले जाता नहीं जा, इनका एक्सरे कराएं जा, भोजन कराएं जा, एक बाद फिर इनका नाव से हमने के घर तक पहुँचाएं जा।